हाय, अगर आप भी हैं परेशान एग्जाम की तैयारी से तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपकी समस्या का समाधान। इस वीडियो में हम बिहार इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2020 के केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र को देखेंगे, क्वेश्चन पेपर को, और इसमें ऑब्जेक्टिव बेस के क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है, जिसकी मदद से आप भी सही सही आंसर जान सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आपकी मदद कर सकें। तो चलें, देरी ना करें और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन सेशन को। पहला प्रश्न, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, इन केमिकल रिएक्शंस कैटलिस्ट, आखिर कैटलिस्ट का काम क्या होता है? तो कैटलिस्ट का काम अभिक्रिया वेग को बढ़ाना एवं घटाना, यानी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाना और घटाना, ये किसी भी कैटलिस्ट का काम होता है। तो सी आंसर राइट है। आते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इज द स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, निम्न में से कौन सा हैलोजन प्रबल अभिकारक है? ऑप्शन सी यानी फ्लोरीन। फ्लोरीन हैलोजन ग्रुप के अंदर सबसे स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 कि हाफ लाइफ टाइम फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? यानी कि टी हाफ कहते हैं किसी रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम, जिस टाइम में किसी रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाता है। तो इसका आंसर 0.683/K यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब आते हैं अगले प्रश्न यानी चौथे नंबर कि उजला और पीला फास्फोरस है, यानी व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर, ये एलोट्रॉप्स होते हैं, यानी अपरूप, एक दूसरे का अपरूप। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद एसिड? ऑप्शन सी यानी कॉपर। कॉपर इनमें से राइट आंसर है, क्योंकि कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है और वो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में फिनॉल को पहचाने, आइडेंटिफाई फिनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फिनॉल बेंजीन के साथ OH ग्रुप के अटैचमेंट से बने कंपाउंड को फिनॉल कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी एक राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन इज, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, पॉलीमराइजेशन, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी यानी इरिवर्सिबल अनुक्रमणीय है, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, अभिक्रिया N2+3H2 यानी अमोनिया का प्रोडक्शन में ताप बढ़ाने पर क्या होता है? इन द रिएक्शन N2+3H2 इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन क्या होगा? तो अमोनिया का उत्पादन घट जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तापमान बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा और अमोनिया का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, CONH2 ग्रुप इज नॉन H। ऑप्शन ए एमिडो ग्रुप, बी यहां मार्क किया गया है जबकि बी राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए एमिडो ग्रुप। क्वेश्चन 10, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज एट हाई माउंटेन्स बिकाउज, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ऑप्शन ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। 11 नंबर, निम्न में कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फार्मूला ऑफ मिथॉक्सी मीथेन? ऑप्शन ए CH3O CH3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? टिंडल इफेक्ट इज नॉट फाउंड इन, टिंडल इफेक्ट यानी जब लाइट रेज
किसी मीडियम से पास होती है तो लाइट रेस का पाथ विजिबल होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन में ये पाथ विजिबल नहीं होता है, यानी चीनी का घोल शुगर सॉल्यूशन एक ट्रू सॉल्यूशन है, इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कि कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। कीटोन यानी सी ओ ग्रुप जिसमें कार्बन चेन के बीच होता है उसे कीटोन ग्रुप कहते हैं। तो सी ओ ग्रुप ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जबकि बी यानी सी एच ओ ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी ओ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि रवादार ठोस है। रवादार यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो हीरा एक रवादार सॉलिड है डायमंड, क्योंकि डायमंड में पार्टिकल्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में होता है, और बाकी ऑप्शन यानी कांच और रबर एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 5 खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड, उसे एस्क कहा जाता है, यानी ओर ऐसे मिनरल को कहते हैं जिसमें से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन वेनेगर, तो एसिटिक एसिड, यानी ऑप्शन बी सी एच थ्री सी ओ ओ एच इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कि कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है। सिल्वर मिरर जांच कीटोन और एल्डिहाइड के बीच अंतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मिथेनल, जबकि यहाँ ए को राइट मार्क दिया गया है जो कि एक गलत ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 NiCO4 यानी ये एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या है, तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni इन NiCO4 इज, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री इज फाउंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री इज फाउंड, ऑप्शन डी NiCl4 2- के पास चतुष्फलक आकृति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। इन HCP यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम इज, तो इसमें कुल एटम्स जो है वो 6 पाई जाती है, 6 एटम्स की संख्या पाई जाती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है। एल्केनल यानी एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड ग्रुप का जनरल फार्मूला, द जनरल फार्मूला फॉर एल्केनल CnH2NO, यानी ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है CnH2NO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज निम्न में से कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज फेरोमैग्नेटिज्म, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर CrO2, CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में कौन जिंक एस्क नहीं है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बॉक्साइट, बॉक्साइट जिंक का एस्क नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन प्रबल भस्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो ऑप्शन डी CH3 होल 3N इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से मिलियन के लिए कौन अनुसंख्या गुण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका आंसर ए राइट आंसर है, इसे प्रसरण या ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 ओलियम का सूत्र है। ओलियम
यानी फार्मूला ऑफ ओनियम इज ऑप्शन ए H2S2O7 H2S2O7 इज द फार्मूला ऑफ ओनियम। क्वेश्चन नंबर 28, वात्पेय भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस? तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आयरन का ऑक्साइड यानी ऑक्साइड ऑफ आयरन का रिडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किसी भी पदार्थ में क्रिया करने का दर निर्भर करता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सक्रिय द्रव्य मान पर, सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास, ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है, द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज, ऑप्शन ए OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सभी एस्क खनिज होते हैं, हाँ सभी एस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज एस्क नहीं होते हैं, सभी एस्क खनिज नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हीं खनिजों को एस्क कहते हैं जिन्हें सस्ते दाम में धातुओं को निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रासर दाब निम्न में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑप्शन ए P = CRT. क्वेश्चन नंबर 33, Na3CrC2O4 3 में Cr के उपसह संयोजक की संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इन Na3CrC2O4 3 इज, आंसर ए 3, आंसर ए 3 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन? तो ऐसे विलयन जो राउल्ट्स लॉ को किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में फॉलो करते हैं उसे हम लोग आदर्श यानी आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ऑप्शन ए यह राउल्ट्स लॉ के नियम का पालन करता है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, अर्ध पारगम्य झिल्ली से प्रसरण क्रिया में निकल पाते हैं, बाय ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ टू पास? तो विलायक के अनु, ऑप्शन बी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल केवल पारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 36, COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है, इन एडिशन टू COOH ग्रुप एमिनो एसिड कंटेंस? ऑप्शन बी यानी NH2 एमिन ग्रुप। इसी वजह से इसे हम लोग एमिनो एसिड के नाम से भी पुकारते हैं, एमिनो एसिड के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, ये आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है, अदर देन ऑक्सीजन इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट फाउंड? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सल्फर। ऑक्सीजन के अलावा सल्फर ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन एनिलीन इज? तो एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या 3 है। एनिलीन बेंजीन के साथ बेंजीन रिंग में NH2 ग्रुप जब मौजूद हो तो उसे एनिलीन कहते हैं। तो बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड को ही हम लोग पाई बॉन्ड कहेंगे, तो कुल पाई बॉन्ड की संख्या 3 हो गई, और इस तरीके से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, बेरवादार ठोस पदार्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड? तो एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल कांच होता है, इसमें पार्टिकल्स रैंडमली फैला रहता है, कोई ऑर्डर नहीं पाया जाता, जबकि ग्रेफाइट और हीरा क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन? तो ऑप्शन बी यानी CH3CHO एल्डिहाइड ग्रुप एल्डोल कंडेंसेशन में भाग लेता है, तो CH3CHO ग्रुप इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, बेंजीन का अनुसूत्र है, द
मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, तो बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है। बेंजीन एक हेक्सागोनल मॉलिक्यूल है जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, कीटोन का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर से कराने पर प्राप्त होता है। कीटोन ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाटर गिव्स, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।